प्रियंका गांधी के संदेश को लेकर विधानसभा प्रभारी ने की प्रेस वार्ता। 28 नगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर व देहात के विधानसभा प्रभारी राजीव कुमार मिश्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 तो सेमीफाइनल है, 2024 में फाइनल रन होगा। बहन प्रियंका के वादों से जनता खुश है, जिसका लाभ कांग्रेस को 2024 में मिलेगा। उन्होंने वर्तमान की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सेल्फी और जुमलों वाली सरकार है। इस सरकार में गरीबों का सिर्फ शोषण हुआ है, पूंजीपतियों की इस सरकार में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। जी विधायक जी, किस संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी? देखिए, आज की प्रेस वार्ता हमारे प्रभारी महोदय राजेश कुमार मिश्रा जी, यहाँ 27 और 28 विधानसभा के प्रभारी हैं, इनकी कल जूम पर मीटिंग हुई माननीय प्रियंका गांधी जी के साथ में। उनका संदेश लेकर के आज ही आए हैं, इन्हीं ने ये आज प्रेस वार्ता तय की थी। ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर शुरुआत प्रभारी जी से करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है सर जी। प्रभारी जी, क्या क्या बात है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय सचिव जो हैं प्रियंका गांधी जी, जो प्रभारी हैं हमारे यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की, उनका एक संदेश है हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं के नाम, बूथ जिताओ आगे आओ, पहले अपना बूथ जीतो फिर भविष्य में टिकट मांगो। यह बहुत क्लियर मैसेज है कि कोई भी इस चुनाव के बाद जो भी चुनाव होंगे, उस चुनाव में जो भी टिकट मांगने वाले लोग होंगे उनके साथ उनकी बूथ की रिपोर्ट लगाई जाएगी कि उन्होंने आखिर कांग्रेस के लिए कितना वोट करवाया, उनकी क्या भागीदारी रही उसमें। तो आने वाले चुनाव की तैयारी हो रही है, इसी चुनाव की तैयारी? देखिए, ये सेमीफाइनल है हमारा, फाइनल 2024 है। तो आप अभी फाइट नहीं मानने किसी से? नहीं, फाइट क्यों मानेंगे किसी से, हम सबसे ऊपर हैं। एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो सभी जात सभी धर्म की बात करती है और सबको भागीदारी देती है राजनीति में, और कोई पार्टी आप गिनवा के दिखा दीजिए मुझे। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से ही टेस्ट मैच खेलती आई है, लोग भले T20 खेलें, क्रिकेट रहे या पॉलिटिक्स, टेस्ट मैच ही सक्सेस है आज की डेट में और रहेगा भी भविष्य, वही बेस है। T20 तो भाजपा खेलती है या तो ये खेलते हैं बसपा और सपा, उनको तो रहता है किसी तरह सत्ता लो, हम सत्ता नहीं, हम सत्य बोलते हैं। अभी हमारी देखिए, प्रियंका गांधी जी ने बोला 40% आप लोगों के सामने आंकड़े हैं, टिकट में दिए ना 40%, और जहां भी हमारी सरकारें हैं सब जगह देख लीजिए, जो वादा कहते हैं वही पूरा करते हैं। प्रियंका जी का एक और बयान आया था कि चुनाव के बाद संभव हुआ तो हम अखिलेश जी को भी समर्थन देंगे, क्या माने जीत से पहले आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये गलत, आप यही तो कह रहे हैं, ये चीज़ें गलत बात आ रही है। देखिए, उनका ये कहना है कि क्रिमिनल पार्टी को बाहर रखने के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है, क्योंकि जो हिंदू मुसलमान करे या सिख ईसाई को लड़ाए, हिंदू मुसलमान को लड़ाए, ऐसी पार्टी को दूर रखने के लिए सत्ता से हम कोई भी कुर्बानी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी सब दिन कुर्बानी करती है, आज भी आप देख रहे हैं, चाहे हमारे पुराने नेताओं से लेकर अभी तक। तो अभी के चुनाव की क्या तैयारी है, क्या रणनीति बनाई है? अभी की चुनाव की तैयारी कि हम लोग पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, मुरादाबाद की 6 के 6 सीट पे मजबूती से लड़ रहे हैं, और हमारी संगठन भी देख रहे हैं कि कितनी मजबूती से चल रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में नाराजगी भी नजर आ रही है। देखिए, घर है हमारा, भाई भाई है, हम तो कांग्रेस परिवार कहलाता है, कोई और पार्टी में परिवार नहीं कहा जाता है, आप ये जानते होंगे। तो जब परिवार में 4 भाई 5 भाई रहते हैं, थोड़ी बहुत तो खटपट चलती है, उसको हम सलट देते हैं अंदर बैठ, वो सलट मिल जाएगी, कहीं कोई खटपट। एक नदी में पार्षद कालिक की पोती नहीं, नहीं, पार्षद साहब ने कालिक नहीं पोती, गलत न्यूज़ है, किसी गलत इंसान ने पोती, कभी भी हमारे कोई आप वीडियो दिखा दीजिए कोई फोटो की पार्षद साहब ने कालिक पोती है, किसी बाहर में किसी ने कर दिया है, उसकी भी छानबीन हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है किसी और पार्टी के लोग हों। अगर टिकट का चरण का मतदान 10 और 14 मार्च को होने जा रहा है, देखिए कांग्रेस का कंपटीशन किसी से नहीं, हम पहले ही शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो हमारे यूपी की जनता आवाम से मैं यही गुजारिश करूंगा कि एक अच्छे भविष्य को चुनिए, जो आप 32 साल से अपने भविष्य खराब कर बैठे हैं, उन सारे
लोगों को बाहर कीजिए और जो कांग्रेस है जो आपके भविष्य है उसको चुनाव। अगर टिकट का डिसीजन इस चुनाव के बाद होना है, बूथ जिताओ और टिकट पाओ, तो उसके लिए जो मौजूदा पार्षद को टिकट दिया गया था उसको काट करके विधायक जी को टिकट दिया गया, इसका उनका। देखिए कोई सौदेबाजी कांग्रेस में नहीं होती। पहले एक चीज़ बता दूँ, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ की लोगों को कोई एक रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, सारी डिसीजन डेमोक्रेसी के रूप में आती है। अब रही टिकट कटना, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कांग्रेस के इतिहास में जब कोई अपोजिशन ऐसे कैंडिडेट को उतारता है जिस कारण कि हमें कुछ अलग डिसीजन लेने होते हैं उस प्रत्याशी को देखते हुए, तो ऐसी डिसीजन होती हैं और हर एक पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ नहीं है, ये राजनीतिक डिसीजन है और इसमें अब हो सकता है कि इस बार यहाँ पे हो गया, कहीं और भी होता है। ये नॉर्मल है कि कैंडिडेट दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को देख के कभी कभी चेंज करने पड़ते हैं। सर ये हमारा कहना नहीं है, ये नदीम पार्षद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पे, बड़े वरिष्ठ नेताओं पे इस तरह के आरोप लगाए। देखिए मैंने अभी तक वो चीज़ देखी नहीं है, और रही बात मैं खुद बात किया हूँ उनसे, उन्होंने ये बात भी बोली है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात उस समय क्या हुआ, गुस्से में होंगे, हो सकता है कोई नाराज़गी हो, मुझे अभी तक मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं देखी है बात, लेकिन मेरी बात हुई उनसे, लोगों ने बताया मुझे, तो मैंने बात की, बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस गुस्से में था, मेरे बच्चे रो रहे थे, थोड़ी सेंटिमेंटल हो गए। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विद्रोह मांगे, माने जाएगा उनका ना, कभी वो विद्रोह नहीं किया, परिवार रखेगी या निकालेगी, नहीं निकालेगी, चुनाव लड़ा रहे। उन्होंने क्या बोला, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगा, इकराम कुरैशी को समर्थन देंगे, बिल्कुल देंगे। चुनाव प्रचार में रैलियों में नाबालिग बच्चे जा रहे हैं प्रचार के दौरान, क्या ये पार्टी ने कुछ ऐसा अनुमति दे दी है कि नाबालिग बच्चों को आप लेकर के चुनाव प्रचार कर सकते हैं? पहले देखिए, नाबालिग बच्चों को हम कभी नहीं कहते, बच्चे खुशी में घूमने लग जाते हैं। आप जानते हैं कि बच्चों को कहीं भी रोक पाना, अब घर में कहीं प्रचार चल रहा है वहाँ दौड़ने लग गए, लेकिन पार्टी कभी नहीं चाहती है किसी नाबालिग बच्चे को सियासत में कोई तरह की यूज़ की जाए, हमारी पार्टी तो कभी आज तक नहीं की। लेकिन गली मोहल्ले में जाएंगे, बच्चे खेलने लग जाते हैं, उनको लगता है अरे भीड़ है, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कभी हम लोग नहीं यूज़ करते। कांग्रेस पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ। जयंत चौधरी की सियाची पिच पर बैटिंग के बाद क्या लगता है, कितना किसान वाला मुद्दा आप कांग्रेस भुना पाएगी? फिर वही बात हम बोल रहे हैं, कांग्रेस भुनाती नहीं किसी चीज़ को साहब, कांग्रेस सत्य बोलती है और सत्य के साथ खड़ी रहती है, चाहे NRC का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो। अगर किसी पार्टी ने सबको सपोर्ट किया है किसानों को और NRCCA के मुद्दे पे, तो वो कांग्रेस है। असत्य के लिए कांग्रेस किसी कानून के खिलाफ जा सकती है जो ये काले अंग्रेज कानून ले गया। NRC का जो चेहरा बने थे वो भी BJP ज्वाइन कर चुके हैं, क्या कहना? हो सकता है, लेकिन आप भी जान रहे हैं आज के डेट में भाजपा पैसा का जोर खेल रही है, पैसे के दौर हैं, इकोनॉमिकल दौर है, लोगों को लालच लोग दे के वो अंदर कर लेती है। तो इसमें हम सत्य के साथ हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, इनको किसी से डर नहीं है, ना भाजपा ना इनके ED और जितने पपेट बैठे हुए हैं इनके पास, हम नहीं डरते, कांग्रेस ही नहीं डरता किसी से। क्या ये कहा जा सकता है कि 2024 का चुनाव ही महत्व रखता है, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है ये कम महत्व रखता है, जो आपने बात कही है कि 2024 के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और ये एक? मैंने कहा कि 2022 हमारा सेमीफाइनल है, मतलब सेमीफाइनल जीतेंगे तभी तो फाइनल जीतेंगे मैडम, क्वालिफाई कैसे करेंगे आप जीतने के लिए फाइनल? तो ये हमारा सेमीफाइनल इसलिए है कि यहाँ से भगाएंगे पहले, तब ना हम सेंट्रल में भगाएंगे भाजपा को, तो यहाँ पहले भगाएंगे फिर भाजपा को वहाँ से भगाएंगे। सर आखिरी सवाल, हाजी इकराम कुरैशी जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, किस तरह का बल मिला है कांग्रेस को? देखिए वो एक अच्छे नेता हैं, सफल नेता हैं, और आज अगर आप जानते हैं कि सपा ने उनकी टिकट काटी है तो किस कारण से, चूंकि वो अपने हक मतलब मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कि वो एक मजबूत चेहरा के रूप में लड़ाई लड़ते हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सबके लिए वो लड़ते हैं, वह बात नहीं चलती है सपा में। सपा अपने नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, क्योंकि खुद उनको खतरा लगता है, भागीदारी देनी नहीं है। आपको भी पता है कोई नेता बनने सपा में या बसपा में आप ऊपर क्यों उठने देगा किसी नेता को, जब मुख्यमंत्री हमें बनना है, उप मुख्यमंत्री हमें किसी को बनाना है। अब आप ही एक चीज़ देख लीजिए, सपा यादव UP में 4%,
वो बनेंगे मुख्यमंत्री जी, 1.5% जाट वो बनेंगे उप मुख्यमंत्री, 19% मुसलमान क्या बनेगा जिसकी वोट आप ले रहे हैं? ई रिक्शा चलाए क्या उस उप मुख्यमंत्री, कम से कम उप मुख्यमंत्री दे देते मुसलमानों को भाई। क्या ये कहा जा सकता है कि चुनाव में फिर भी जातिवाद को ज्यादा महत्व दिया जाता है बजाय विकास के? हम नहीं देते, हमारी तो आप प्रियंका गांधी जी की ले लीजिए या राहुल जी की, हमेशा हम विकास का मुद्दा उठाते हैं, हम जातिवाद नहीं करते, क्योंकि हम किस जाति बात करेंगे, हम तो सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण मुसलमान खत्री, अब बताइए कौन सी जाति धर्म बता रहे हैं। देखिए ये दोनों दो विधानसभा हैं, वो ऑलरेडी नेता हैं, ये ऑलरेडी लड़े हुए हैं हमारी पार्टी से, कार्यकर्ता हैं मेरे पुराने, नगर अध्यक्ष रहे हैं, मेयर का चुनाव लड़े हुए, तो कहाँ परिवारवाद हुआ? ये नारे को शॉर्ट करा है और